नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है महाराष्ट्र के नांदेड़ से, जहां पर एटीएस का छापा पड़ा है। जिला परिषद के दो शिक्षक यहां से हिरासत में लिए गए हैं। नीट पेपर लीक में शामिल होने का इन दोनों पर शक है और हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षक लातूर में निजी कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। पेपर लीक में दोनों के ही शामिल होने की खबर है। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से, और कृष्णा ठाकुर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, इन दोनों को जिनको एटीएस ने हिरासत में लिया है, जानकारी दीजिए दोनों की क्या भूमिका बताई जा रही है पेपर लीक में। देखिए, बिहार के बाद अब नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन जो है वो सामने आया है। दरअसल नांदेड़ एटीएस की टीम ने लातूर, महाराष्ट्र का एक जिला है, जहां पर छापेमारी करके दो जिला परिषद शिक्षक को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान के नाम से की गई है। एटीएस को शक है कि नीट पेपर लीक मामले में ये दोनों शिक्षक शामिल हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नांदेड़ एटीएस को दिल्ली पुलिस की तरफ से यह अलर्ट किया गया था, उसके बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को हिरासत में लिया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो दोनों शिक्षक हैं वो अलग अलग जिले में जिला परिषद के जो है वो शिक्षक हैं, लेकिन लातूर में कुछ साल पहले तक निजी कोचिंग संस्थान जो है वो चलाया करते थे, और यही वजह है कि अब पुलिस को शक है कि ये कथित पेपर लीक मामले में उनकी सहभागिता हो सकती है। इसलिए दिल्ली पुलिस के अलर्ट किए जाने के बाद ये जो है वो कार्रवाई नांदेड़ एटीएस की तरफ से की गई है। ठीक है कृष्णा, झारखंड टू बिहार, बिहार टू महाराष्ट्र, आप किस तरीके से लगातार ये नेटवर्क पूरा फैला हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।